हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ 5 मिनट में मेकअप करना जो आप किसी भी पार्टी में या फंक्शन में कर सकते। सबसे पहले हमें फेस वॉश करना है जो कि मैं करके आ चुकी हूँ, और हमें इसके बाद लगाना है मॉइस्चराइजर। ये मेरे पास निविया का मॉइस्चराइजर है और इस पहले हम अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे। मैंने लगा लिया। अब आप चाहें तो सीरम भी लगा सकते हैं, मेरे पास है निविया का सीरम, ये मम्मा अर्थ का सीरम है मेरे पास। आप इसे ये ऐसे वाइट कलर पे है, सीरम लगाने के बहुत फायदे हैं। इससे आपके फेस ग्लो करने लगता है जो आपको 15 मिनट दिन में ही दिखाई देने लगेगा। अब हम इसके बाद लगाएंगे। आप प्राइमर भी लगा सकते हैं, लेकिन अब मैं बताने जा रही हूँ 5 मिनट मेकअप करना, तो मैं अब लगाने जा रही हूँ ये लैक्मे का है 9 to 5 CC क्रीम। ये आपको फाउंडेशन का लुक देता है। इसे हम पूरे फेस पे ऐसे डॉट 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 कर लेंगे। और मेरे पास ये ब्लेंडर, इसे मैंने गीला कर लिया है। अब हम इसे ऐसे 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 मिक्स करेंगे। ब्लेंडर से ये बॉडी आसानी से मिक्स हो जाता है। और बैकग्राउंड साउंड के लिए सॉरी, मेरा बच्चा थोड़ा हल्ला करने लगा था। अब चाहे तो यहाँ ज़्यादा लगा सकते हैं फाउंडेशन, यहाँ काले गड्ढे होते हैं, ये यहाँ काला होता है। मैं मोबाइल के कैमरे में ही देख के मेकअप कर रही हूँ। अब इसके बाद हम लगाएंगे फेस पाउडर। इसके लिए हम लेंगे ब्रश और ये मेरा फेस पाउडर। इससे हम अपने क्रीम को सेट कर लेंगे। फिर फेस पे अप्लाई करना है हमें। और एक चीज़ बताना भूल गई, आप जो भी यूज करें क्रीम फाउंडेशन पाउडर, सब नेक पे भी अप्लाई करें तो हमारा नेक और हमारा फेस अलग अलग दिखने लगता है। अब मैं लगाऊंगी काजल। ये मैंने लिया लैक्मे का काजल है मेरे पास। थोड़ा कैमरे में देख के काजल लगाना मुश्किल हो रहा है, मिरर पे देख के मेकअप करने की आदत है। तो अब मैं करूँगी, मैं लिपस्टिक अप्लाई कर लेती हूँ। इसके लिए हमें पहले लिप पे भी थोड़ा मॉइस्चराइज लगा लेना चाहिए। मैं बोरोलिन ही लगा लेती हूँ। ये मेरे पास लिपस्टिक है लैक्मे की। मैं लैक्मे का प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करती हूँ, लैक्मे की 9 to 5। ये लिपस्टिक मेरे पास बहुत सालों से चल रही है और यह बहुत अच्छी लुक देती है। ये झटपट अप्लाई हो जाती है। अब मैं थोड़ा आईब्रो पे मेकअप कर लेती हूँ।
अगर आपके पास आईब्रो के लिए कुछ नहीं है तो आप ये ले सकते हैं आई शेडो, इस पर जो ब्लैक कलर होता है इससे आप ऐसे। या तो आप काजल भी यूज कर सकते हैं, हल्का हल्का काजल ऐसे उंगलियों पे ले ले और ऐसे करके ऐसे कर लो। मेरी आईब्रो थोड़ा ब्लैक है तो मैं ज़्यादा अप्लाई नहीं करती, फिर आप इसे सेट कर सकते हैं। अब मैं थोड़ा आई मेकअप कर लेती हूँ, आई शेडो वगैरह हम लगा लेते हैं। ये आई शेडो लगाने के लिए हमें पहले ये वाला ब्रश लेना है और इससे हम ऐसे पहले कोई भी कलर देना है हमें, उसके पहले हम वाइट वाइट अप्लाई कर लेंगे, जो हमें फिर चाहिए तो वो उभर के आएगा, जो भी चाहिए हमें। और सेट करने के लिए हम दूसरा ब्रश लेंगे। आप मैं जैसे मैं ग्रीन साड़ी पहनी हुई मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर लेती हूँ। ब्रश की मदद से सेट कर लेंगे। अब मैं लगा लेती हूँ आई मस्कारा। आप चाहे तो आई लाइनर भी लगा सकते हैं, मैंने नहीं लगाया है। अब हम थोड़ा सा हाइलाइटर यूज कर लेते हैं। हाइलाइटर से थोड़ा हमारा फेस ग्लो मारने लगता है। इसे हम उंगलियों से भी लगा सकते हैं। ये है हाइलाइटर जो मैंने ऑनलाइन मंगाया है। ये हम जो हमारे फेस पे उभरे हुए पॉइंट है वहाँ अप्लाई करेंगे। तो मैं पे हम पहले ये नोज पे ये मेरी नोज साइन करने लगी और थोड़ा चीक पे। थोड़ा इधर ब्रश की मदद से इसे सेट कर लेंगे, इसे एक सीधी लाइन ना लगे। आप चाहे तो ब्लश भी यूज कर सकते हैं इसके ऊपर, ये पिंक कलर का। इससे आप मुस्कुराते तो आपकी मुस्कान अच्छी लगती है। इसके लिए हम पहले ऐसे मुस्कुराएंगे और ये जो हमारे उठे उसके ऊपर लगा लेंगे। जी मेरा मेकअप हो चुका है रेडी। सब झटपट तैयार हो सकते हैं और कहीं भी जा सकते हैं। आप चाहे तो इस जोड़े पे हेयर पिन लगा सकते हैं फ्लावर वाले, या बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं। बाय बाय।